ओके तो अभी आप लोगों को मैंने ये वाला तो पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन बी डी टी क्या देता है, इंटीग्रेशन बी डी टी क्या देगा, तो यही होता है जब क्लास नोट से ही पढ़ते हैं आप लोग, आपको लिखवाना ही पड़ेगा मुझे दो बार, दैट्स नॉट एज अ पनिशमेंट बट एज अ उपकार, ठीक है। v वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा, यस ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा ये, अच्छा। और ये v dt मतलब ये बेसिकली इंटीग्रेशन लगाया, ये क्या है, यानी एरिया अंडर v dt, डायरेक्टली क्या देगा, देगा डिस्प्लेसमेंट। अगर कभी आप भूल जाओ ये चीज, आपके दिमाग से निकल जाए, तो आप सिंपली सोचो ना, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, डी डी मतलब स्मॉल टाइम, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा, जैसा आपने पहला फॉर्मूला आपको पढ़ाया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा, अगर आप भूल भी जाओ कभी तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, एरिया अंडर वी डी ग्राफ वो तो पता है, देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, नहीं याद आए, अच्छा वेलोसिटी इनटू टाइम ये तो डिस्प्लेसमेंट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अच्छा अब एक मैं एग्जांपल देता है, मान लो मैंने इधर अभी एक डायग्राम बना दिया, ये v वर्सेस t का डायग्राम, ये v और ये t, t ऐसा डायग्राम, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 2.5 यहां पे 5 सेकंड, ये 0 सेकंड, ये 10 सेकंड, ठीक है, ये ग्राफ बन गया v वर्सेस t का, v वर्सेस t। अब सवाल ये है, फाइन द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके तो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे टाइम हमने कितना दिया, 5 सेकंड, और ये टाइम 10 सेकंड, तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट एरिया अंडर दिस ग्राफ, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया अंडर द ग्राफ, उसका मतलब होता है कि ग्राफ और एक्सिस के बीच का, ग्राफ क्या है, ये राइट ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस, तो ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इसको हम लेंगे पॉजिटिव, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये एरिया अबाउट टाइम एक्सिस, एरिया क्या है, अबाउट टाइम एक्सिस, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसमें वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इधर तो नेगेटिव है ना, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए अब टाइम एक्सिस वाले एरिया को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, समझ में। अब बिलो टाइम एक्सिस, यानी ये वाला जो एरिया है, इसको ऐसा कुछ बना देते, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला A2, A2 को हम ले लेंगे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये बिलो टाइम एक्सिस है, ये बिलो, इसका मतलब बिलो टाइम एक्सिस, यानी ये जो है, इधर वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमसे क्या होता है, सेम होता है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अबव टाइम एक्सिस जो एरिया है उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और बिलो टाइम एक्सिस जो एरिया है उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव, तो इसलिए क्योंकि यहाँ उसका रीजन बताया मैंने, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, गिविंग यू प्रॉपर रीजन फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ए वन, राइट, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एरिया है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, समझ में आपको, ओके। अच्छा तो ए वन का वैल्यू कितना है बताओ, ये इसका लेंथ कितना है, 5, और इसका हाइट कितना है, 5 इंटू 5, साइन का लिखो प्लस या माइनस, प्लस, क्यों, ठीक है, ये अटा बार बार यूज होगा, अटा और बटा, इसलिए आप ऐसे जा सकते हैं, अटा ये क्या है, अबव टाइम एक्सिस, यानी अटा, ठीक है।
हटा नहीं बे नहीं हटा अच्छा और ए टू कितना आएगा तो आप ये देखो ये हो गया आपका प्लस एस वन ठीक है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकंड्स ए टू क्या आएगा ये इसका लेंथ 5 है और इसका हाइट कितना है 2.5 5 इनटू 2.5 12.5 तो सेकंड एरिया कितना आ गया माइनस 12.5 ये हो गया आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट ठीक है दिस इज एस वन वेक्टर एंड दिस इज एस टू वेक्टर समझ में अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा एस वन प्लस एस टू प्लस एस वन वेक्टर में हमेशा ऐड किया जाता है एस वन प्लस बाद में आप साइन डाल दो एस वन का साइन कितना है प्लस 25 और एस टू माइनस 12.5 टोटल कितना आया प्लस 12.5 ये हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अरे अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव ले लो नीचे वाला नेगेटिव ले लो और जोड़ दो यानी प्लस 25 माइनस 12.5 कितना हो गया 12.5 अब सवाल ये है कि मैं डिस्टेंस निकाल लो तो डिस्टेंस को डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है स्केलर उसको कोई मतलब नहीं है डिरेक्शन से तो डिस्टेंस हो जाएगा डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एस वन प्लस मॉड ऑफ एस टू डिस्प्लेसमेंट 1 का मॉड प्लस डिस्प्लेसमेंट 2 का मॉड डिस्प्लेसमेंट 1 का मॉड कितना होगा 20.5 और 2 का मॉड 12.5 कितना हो गया 37.5 ये पॉइंट वही है आपको बोलो डिस्टेंस निकालना हो तो बस ये एरिया जो भी आया है ना उसका मॉड ऐड कर दे दो उसमें माइनस प्लस करके ले लेना नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना हो उसको साइन के साथ ऐड करो ऐड इट विद साइन यानी अलजेब्रिक एडिशन इसको क्या बोलते हैं इस एडिशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन तो आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट मैं सिंपल टर्म में बोल रहा हूं इफ यू वांट टू इफ वी ऐड द एरियाज विद देयर साइंस देन वी विल गेट व्हाट डिस्प्लेसमेंट वी गेट और डिस्प्लेसमेंट का मॉड नहीं हमें डिस्प्लेसमेंट विद साइन मिलेगा अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस आएगा और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है फाइनली तो क्या आएगा दूसरा इसका अपोजिट इफ वी ऐड द एरियाज विदाउट द साइंस ऑफ जस्ट देयर मॉड्स देन वी गेट व्हाट सो इन आपको दैट इज द पॉइंट तो अभी ये देखो आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं इसी पे बेस्ड ठीक है तो ये क्वेश्चन दिया है अभी ये ग्राफ थ्री वर्सेस टी का ग्राफ हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ठीक है यहाँ पे वैल्यू 048 माइनस 6 के टाइम के वैल्यू 058 12 15 18 का टाइम ओके ठीक है तो इसको आप सॉल्व करके बताओ कि टोटल डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ओके तो देखिए अभी सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल हाँ इसका एरिया निकाल लेंगे ठीक है ओके क्योंकि हम इसको हमें छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है नहीं क्योंकि एक साथ तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया राइट तो ये मैंने पहला ट्रायंगल ले लिया और इसका जो एरिया है ये ए वन ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस बेस हो गया 5 और हाइट हो गया 8 तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ गया और प्लस 20 प्लस क्योंकि अबव टाइम एक्सिस क्या है अच्छा ओके ओके नाउ लेट मी टेक दिस ट्रेपेजियम ये ट्रेपेजियम है राइट ये वाला इसमें ब्लू कलर से मार्क किया ये ट्रेपेजियम है कि नहीं हां ट्रेपेजियम है तो इसका a2 हो जाएगा ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ये वाला हो गया 4 और वो वाला हो गया 8 तो ये 4 और ये 8 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 प्लस 8 और हाइट हो गया 5 से 8 तो कितना हो गया 3 हो गया तो इनटू 3
तो ये 12 6 3 18 कितना आएगा 18 प्लस 18 समझ में आपको। अब आते हैं इस पे, तो ये तो रेक्टेंगल है, ये पूरा ट्रेपेजियम ले लो, तो ये जो है यहां पे, फिर से मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूं, तो ये पूरा एक ट्रेपेजियम है कि नहीं है, है ट्रेपेजियम नहीं, आप सीधा ट्रेपेजियम ले लो रेक्टेंगल क्यों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इधर 8 से 15 यानी 7 और इधर 8 से 12 यानी 4 हो गया पैरेलल साइड्स, यानी 7 प्लस 4 और हाइट है 4, हाइट कितना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू दिस, तो हाइट है 4, तो 2 2 4 11 भी 22 ये हो प्लस 22, ये सारे प्लस वाले हो गए, सारे अटा वाले हो गए, अब सारे बटा वाले, हां ओके ये भी पूरा एक ट्रेपेजियम है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं, एक और हो जाएगा हाफ इनटू, अब ये कितना है 4, ये 15 से 22 कितना है 7 और ये हाइट कितना है 6, तो आप सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 4 प्लस 7 हाइट यानी 6 2 3 6 11 दिया 33 माइनस 33 लेना पड़ेगा, क्यों बोलो क्या ये सब क्या था, अच्छा बेटा है बटा, समझ में आ रहा है। अब हम देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बोला, ऐड देम विद साइन, ऐड देम विद साइन, तो जोड़ो ये 20 18 38 38 और 22 60 60 माइनस 23 33 27 प्लस आया, प्लस आया कि नहीं है, प्लस आया मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर ये माइनस आ रहा था इसका मतलब ये वाला घूम के आ गए पार्टिकल वापस, कोई मैटर नहीं आ रहा है, हां टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसको स्क्वायर करना है तो ये वहां तक था 60 60 प्लस 33 93 ऐड कर विदाउट साइन, वेरी सिंपल, और यहां प्लस माइनस पे यहां बस मॉड 93 और कहां गया किधर गया उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो गया है 93 मीटर, ठीक है।